देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यह दिन का दूसरा पहर है और वक्त है सबसे खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश है के यूपी एडिशन का। हम चुनाव के मध्य में हैं, पहला माइलस्टोन पार कर चुके हैं। बंपर वोटिंग हुई, जुनून के साथ वोटिंग हुई, सुबह से लेकर शाम तक वोटिंग हुई। हर किसी ने, चाहे वो आकाश हो या विकास हो, हर किसी ने जमकर वोट किया। तो क्या पहले चरण की तरह ही बाकी के जो बचे हुए चरण हैं उसमें भी ऐसे ही उत्साहित होकर जनता वोट करेगी, ये देखना अहम होगा। लेकिन हमारे कार्यक्रम की जो संरचना है, जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम को मेंटेन किया गया है, जिस तरीके से कार्यक्रम को प्रोजेक्ट किया गया है, उसमें यह है कि हम हर विधानसभा को डिजिटली तौर पर वहां का निरीक्षण करने का, इंस्पेक्शन करने का, वहां के जनता की नब्ज टटोलने की, जनता क्या सोच रही है उसको जानने की, माहौल क्या है इसको समझने की, जाति हावी है या फिर यह 80-20 हावी है, मुद्दे हावी है या ये नकली मुद्दे हावी है, बिजली पानी सड़क शिक्षा स्वास्थ्य इन सबको मिलाकर बना विकास का बक्सा हावी है, या फिर ये रैलियों के दौरान दिए गए भाषण मसलन चर्बी गर्मी सर्दी ये हावी है, इन सबको समझते हैं और जानते हैं। आज एक और नई विधानसभा के साथ आपके सामने हाजिर हूं, इसके हम बात करने जा रहे हैं, वो है बिलसी विधानसभा। बिलसी विधानसभा सुनते ही सबसे पहले जब हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं तो उनको एक ही बात याद आती है कि ये कहीं सुनी हुई सी विधानसभा है, जो वहां रहते नहीं है, जो अन्य विधानसभाओं से हैं उनकी बात कर रहा हूं। सुना तो है कहीं, अब कहां सुना है? सुना है 1996 में, लिए चलता हूं आपको, 1996 में, 1996 में बिलसी विधानसभा से जीती थी मायावती। मायावती का करियर ग्राफ तूफान की तरह सारी सियासतों को, सारी रियासतों को, सारे पॉलिटिकल मास्टर्स को उड़ा गया, ध्वस्त कर दिया। और मायावती जी एक बड़ी नेता बनकर उत्तर प्रदेश में छा गई। तो 1996 में मायावती बिलसी विधानसभा से जीती थी, हालांकि उन्होंने यहां पर बाद में सीट को छोड़ दिया क्योंकि वो दो जगह से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। दूसरी विधानसभा थी हरोंदा विधानसभा सहारनपुर, तो सहारनपुर की हरोंदा विधानसभा से भी वो चुनाव लड़ी थी, बिलसी विधानसभा से भी चुनाव लड़ी थी। बिलसी विधानसभा को उन्होंने छोड़ दिया, बिलसी विधानसभा में उपचुनाव हुए और उपचुनाव में जीत मिली भोला शंकर मौर्य साहब को। बाद में भोला शंकर मौर्य साहब प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए। और अब जब हम आज बात कर रहे हैं आपसे, जब आज 12 फरवरी है और शनिवार है और दो दिन के बाद होने वाला चुनाव है और 10 मार्च को किस्मत खुलेगी, किसको सत्ता की चाबी मिलेगी, इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश की हर गली नुक्कड़ चौराहे मोहल्ले, घर हो मकान हो दुकान हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह एक ही बात हो रही है कि 10 मार्च के बाद आखिर सत्ता की चाबी किसकी पॉकेट में मिलेगी। तो सत्ता की चाबी जो गली गली अभी घूम रही है, तो बिलसी में इस चाबी की क्या हालत है, कितनी तबीयत दुरुस्त है और यहां के लोग क्या त्रस्त हैं या फिर मस्त हैं। लेकिन इस विधानसभा की एक बहुत दिलचस्प बात आज के परिपेक्ष में अगर वर्तमान की परिस्थितियों में बताऊं तो वह यह है कि बिलसी विधानसभा से 2017 में जब ये बसपा का जो गढ़ है बिलसी विधानसभा, यहां जब एक बड़ा सा थौर वाला जो हथौड़ा मारा था बीजेपी ने और यहां पर बीजेपी बंपर वोटों से जीत कराई थी, तो राधा कृष्ण शर्मा साहब हैं यहां से विधायक बनाए गए थे। लेकिन अब तो शर्मा जी नाराज हो गए और शर्मा जी ने अब पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है, मतलब इधर चला मैं उधर चला। और सियासत में तो है ही है कि जाने कहां मैं किधर चला।
तो राधा शर्मा साहब तो अब टाटा बाय बाय चल दिए, और इधर समाजवादी पार्टी से चर्चा खर्चा पर्चा सब दुरुस्त कराकर मैडम ममता शाक्य भी थी, लेकिन ममता शाक्य जी को टिकट मिला नहीं, ये भी नाराज हैं और ये भी अब बसपा में चली गई। तो क्या बसपा एक बार फिर वापसी करेगी? क्या हाथी एक बार फिर वापसी करने के मूड में है? क्या हाथी मतवाला होकर 2022 में चलने वाला है बिलसी में, या फिर एक बार फिर कमल खिलने वाला है, या फिर साइकिल, जो नई साइकिल अखिलेश यादव जो लेकर घूम रहे हैं, ये साइकिल यहां पर फिर दौड़ती नजर आएगी। इस सब को लेकर चर्चा करेंगे। बिलसी विधानसभा आज आपके सामने लेकर आए हैं 1996, 1997, 2007 और 2012। यहां बसपा जीती थी, मतलब बसपा ही बसपा है, हाथी ही हाथी है। 2017 में यहां पर कमल खिला था। ये देखिए डायरेक्टर साहब ने तस्वीरें चला दी, ये तस्वीरें देखिए बिलसी विधानसभा की। ये तस्वीरें बताती हैं कि विकास के नाम पर कोई अलग तरीके का झंडा तो गाड़ा नहीं गया। जैसी अन्य विधानसभाएं दिखती हैं वैसी ही विधानसभा है। मैं जब विकास के नाम पर अलग तरह के झंडे या कमाल की बात करता हूं तो उसके पीछे जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि अगर हम वाराणसी विधानसभा आपको लेकर चलेंगे तो हम आपको काशी कॉरिडोर दिखा सकेंगे, तो कहेंगे कि हाँ यहाँ कुछ कमाल हुआ है। अगर अयोध्या लेकर चलेंगे तो हम वहां दिखा सकेंगे कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कमाल हुआ है। ऐसे ही हम अन्य अन्य विधानसभाओं में जाते हैं जहां सच में कुछ कमाल हुआ है तो वहां तो कमाल नजर आता है, लेकिन यहां तो कोई कमाल नजर नहीं आता। बड़ा ही आम सा दृश्य है, और जब आम सा दृश्य है तो इस आम से दृश्य को परिभाषित करने के लिए आम जनता हमारे साथ जुड़ी है। हम उनकी ओर सीधे जाएंगे, सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, नमस्कार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके माथे पर मुझे लग रहा है कि लाल चंदन का टीका भी है और आपने शर्ट पहनी है नीली। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ जाएंगी, लेकिन आप किससे जुड़े हैं ये बताइए। आप क्या कह रहे हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है वो यहाँ का विकास और भला कर सकती है? ये तो बात आपका चलिए आए थे अटक गए, दोबारा कोशिश करेंगे जोड़ने की और जानेंगे कि क्या है। तो बिलसी विधानसभा की हकीकत हाल पर हम चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिलसी विधानसभा जो है वो क्या कुछ कहती है। चलिए एक बार फिर जोड़ते हैं, साहब कैसे अटक रहे हैं आप? जी सर। हाँ ठीक है, नाम बताइएगा अपना। आवाज आ रही? मैं सर एमएम सिंह लोधी बोल रहा हूँ सर। ठीक है, आवाज को थोड़ा सा मेंटेन करिएगा, फिक्स करिएगा ऑडियो को। एक सेकंड रुकिए, ऑडियो को थोड़ा फिक्स कराइएगा। जी जी। हाँ, नाम बताइएगा साहब। मैं एमएम सिंह लोधी बोल रहा हूँ सर। ठीक है, एमएम सिंह लोधी साहब। जी लोधी साहब। और जी जी जी, बिलसी विधानसभा का जो समीकरण रहा है वो आपका कहना सही है? चलेंगे लोधी साहब, चलेंगे लोधी साहब, पॉलिटिकल बातें करेंगे। पहले ये बताइए आपके पीछे ये जो दुकान सी दिख रही है किस चीज की दुकान है, क्या सामान है, क्या बेच रहे हैं आप? लीजिए, फिर अटक गए, बड़ी समस्या है दरअसल। तो बिलसी विधानसभा से आज हम आपको रूबरू। सर मेरी, चलिए दोबारा लीजिए स्क्रीन पर। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपके पीछे जो दवाइयां दिख रही हैं, ये क्या है? दवाइयां हैं क्या? कॉस्मेटिक है क्या है? तो जरा थोड़ा डिफाइन करिए। ये मैं सर यहाँ पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सर, उज्जैनी के अंदर। ठीक है, इस बिलसी विधानसभा का। तो यहीं से देखिए पॉलिटिकल कमेंट्री ठीक नहीं। देखिए मेरी बात समझिए, आप पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर, एक व्यापारी के तौर पर, एक लघु उद्योग करने वाले व्यक्ति के तौर पर आप मुझे ये बताइए कि चीजें कितनी आसान रही या चीजें कितनी कठिन रही आपके लिए? आज के समय में व्यापार करना आसान है या कठिन है? सरकार की तरफ से क्या लाभ है, क्या सुविधा है, क्या सुख है, ये बताइए। सरकार की तरफ से भी सर बहुत सच्ची सुविधाएं हैं इस समय जो है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है। और सरकार के हिसाब से यहाँ पे ज्यादातर व्यापारियों को जो भी फिलहाल में कोई दिक्कत और समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है,
खास तौर से ये लोकल मार्केट्स है, यहाँ पे गुंडागर्दी ज्यादा रहा करती थी, वो आजकल लोगों को बहुत आसान है और बहुत आराम है, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है व्यापार के अंदर। अन्यथा होता क्या था कि साहब कई दुकान पर पहुंच गए, यहाँ पे लोग खड़े हो गए कि साहब मैंने सामान ले लिया और सामान लेके यहाँ से चलता बनता था। मतलब कुल जवाब कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। कुल जवाब साहब लोधी साहब आप तो ये कह रहे हैं सरकार से कि सुरक्षा को लेकर मतलब ठीक हुआ है माहौल। जी ठीक है, सुरक्षा को लेकर ठीक हुआ है, बाकी अगर चलिए विकास के हिसाब से बहुत अच्छा है, बड़ी बहुत बढ़िया माहौल है, सुरक्षा के स्तर से सही हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि मायावती के शासन के दौरान भी सुरक्षा काफी दुरुस्त थी। हाँ, उनके जमाने में भी काफी सुरक्षा दुरुस्त थी, लेकिन उनका जो है यहाँ पे वोट बैंक भी अच्छा रहा है, लेकिन बीजेपी के आने से यहाँ पे उनका गुट जो है वो दिन पर दिन कटता चला गया, जो वोट बैंक था वो वोट बैंक जो है वो कन्वर्ट होता चला गया। अभी समय ममता साग जी यहाँ से आई हुई है, हरीश साग जी भी यहाँ से लड़ रहे हैं, चंद्र प्रकाश मौर्य जी भी लड़ रहे हैं, ठीक है, एक मौर्य और है उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आया, लीडर जो है बढ़िया बढ़िया है, चेहरे बढ़िया बढ़िया है, लेकिन ये बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि विकास की जो पोटली है उसमें जो मुख्य रूप से जो पोटली में जो होता है वो होता है बिजली पानी सड़क शिक्षा स्वास्थ्य, तो ये जो काम है ये जो पैमाने हैं इसको लेकर बिलसी में कुछ काम देखने को मिला है आपको बीते 5 वर्षों में? काम देखने के लिए नहीं मिल पाया था क्योंकि बीजेपी ने उस समय जो प्रत्याशी उतारा था वो हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ उतारा था, ठीक है, उनका यहाँ पे जनता के साथ संपर्क बहुत कम रहता था, ठीक है, जो लोग उनके पीछे पड़े रहे उन्होंने तो अपना विकास करा लिया, जो लोग उनसे टच में नहीं थे वहाँ कोई विकास नहीं हो पाया। राधा कृष्ण शर्मा की बात कर रहे हैं? जी जी जी, मैं राधा कृष्ण शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, उससे हाँ उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी व्यक्ति जो था रहने वाले जरूर बिलसी के थे, लेकिन पता बसपा की सरकार बनी थी जिसमें हाजी बिट्टन जी यहाँ से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, ठीक है, तो वो भी उसी तरीके से थे कि बाहर से आए थे और चले गए, तो जनता ये चाह रही थी कि इस बार जो है कोई भी प्रत्याशी हो हम उसी को जिताएंगे जो प्रत्याशी यहाँ से लोकल जैसे टिकट मिलेगा। ठीक है, मतलब तो आपका कहना है कि अगर स्थानीय होगा तो जिताने, ये बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपना विधायक चुन रहे हैं तो विधायक चुनने का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लीजिए जरा, आवाज नहीं आई है। विधायक चुनने का मैं कह रहा हूं कि विधायक चुनने का मतलब क्या होता है? विधायक चुनने का मतलब यही होता है कि अगर रात के 12 बजे भी मुझे कोई समस्या है परेशानी है तो मैं अपने नेता के पास अपने जनप्रतिनिधि के पास जाकर उस परेशानी को रख सकूं, मतलब संरचना यही की है। जब बाबा साहब जब लिख रहे थे तब उनके दिमाग में जो कुछ आ रहा था उसका यही मतलब था कि यहाँ पर्टिकुलर जो जगह है इसका एक नेता होगा जो उनकी बातों को विधानसभा में रखेगा, या फिर एक जो जिला स्तर पर देखें तो संसद में रखेगा, तो यही था मतलब, तो रहेगा तो यही। अब आजकल के नेता क्या है, रहते लखनऊ में है, रहते लास वेगास में है, रहते दिल्ली में है, रहते देहरादून में है, और चाहिए उन्हें विधानसभा से उन्हें विधायक भी बनना है, संसद से सांसद भी बनना है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय जी भी जुड़ गए हैं। विजय जी, आपको देखा काफी लेट आया, आपको देखकर एक शेर याद आ गया, एक मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा है कि जब भी कोई बात कहनी हो, जब भी कोई तकरीर कहनी हो, हमेशा देर कर देता हूं। और आज आपके लिए मुझे कहना पड़ेगा कि जब मेरा खास कार्यक्रम हो, जब हर बात मुझे रखनी हो, तो ना जाने क्यों देर कर देता हूं मैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। हाँ जी, विजय जी आप तो आ गए, आपकी आवाज नहीं आई अभी, चलिए आवाज फिक्स कराइए जरा डायरेक्टर साहब। आज हेलो, हाँ 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 ठीक है ठीक है, आज एक मिनट रुकिए, पहले तो एक मिनट रुकिए, जरा लोधी साहब का जरा ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा, चक्की चल रही है इधर, ठीक है। हाँ विजय जी, ये बदायूं विधानसभा जनपद की जो है बिलसी विधानसभा, और बिलसी विधानसभा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर बड़े दिक्कत जो है चुनाव लड़ चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पर
सपा और बसपा और भाजपा तीनों पार्टियों ने जो है एक ही जाति के यानी मौर्य जाति से अपना प्रत्याशी किया है। चाहे बात अगर हरीश साख की करें तो हरीश साख के बीजेपी से यहाँ पे प्रत्याशी हैं और यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर बात करें बीएसपी की तो जिला क्योंकि कहा जाए तो बीएसपी के प्रत्याशी है और महान दल से ये यहाँ पर वो भी जो है मौर्य को ही यहाँ पे टिकट दिया है। ठीक है विजय जी, जातीय समीकरण जो है सबसे ज्यादा कौन सी जाते हैं यहाँ पर? देखिए एक तो यहाँ पर मिला जुला जैसे यादव है, मौर्या है, कश्यप है, ये लोधी भी है, तो ये मिला जुला जो समीकरण है इसको देखते हुए कोई ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये मौर्या जाति यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, मतलब मौर्य भी हैं जो डिफाइनिंग पोजीशन पे हैं, मतलब जिताने वाली जो जाति में हैं उसमें मौर्य सबसे अहम है, इसलिए आप कह रहे हैं कि मौर्य ज्यादा लोग उतार रहे हैं। ठीक है विजय जी, आपके पीछे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, एक या दो लोगों से बात कर ये जानने की कोशिश करिए कि यहाँ पर माहौल क्या है, हवा किस तरफ बह रही है। यहाँ पर अगर बात गिनती की जाए तो माहौल क्या है, हवा किस तरह है? यहाँ पर माहौल इस टाइम का जो चल रहा है ना, जाति का समीकरण उठाकर देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा बहुमत जाता है बीजेपी के लिए जाता है। अगर जैसे अगर बात यहाँ पर पार्टियों की जाए तो एक ही जाति का इसमें क्या है कि मौर्य जाति ने उदाहरण, इसका कारण ये है कि यहाँ पर मौर्य वोट ज्यादा है इस कृषि विधानसभा। हाँ क्या लग रहा है लहर किस तरह है? तो सर ये तो कोई साहब है बिल्कुल, अभी जो लहर है योगी जी के साथ है। जी कैबिन जी चलिए ठीक है, ये लोधी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लोधी साहब का जरा ऑडियो खोलिएगा जरा। ठीक है लोधी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप सबसे ज्यादा अभी समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक सूझबूझ वाले आदमी हैं, क्योंकि जब बिलसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि बसपा का दबदबा है और फिलहाल बीजेपी राज कर रही है, तो बसपा का दबदबा है आपकी नीली शर्ट है और बीजेपी राज कर रही है तो आपके माथे पर लगा है तिलक, तो आप दोनों पार्टियों को लेकर चल रहे हैं, दोनों तरफ आप हैं? नहीं दोनों तरफ हैं, लेकिन इसमें इस समय जो माहौल है वो इस समय बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। ठीक है बीजेपी का माहौल बना हुआ है, आप ये बताइए। अच्छा ये मैं अच्छा एक सेकंड रुकूंगा, मैं थोड़ा सा जानकारी जुटा लूं अपने संवाददाता जो हमारे हैं। विजय साहब यहां से बीजेपी ने किसको टिकट दिया है? अभी बीजेपी से पूर्व जिला अध्यक्ष रहे थे हरीश साहब, हरीश साहब को जो है बीजेपी के विधानसभा से मैदान में उतारा है। और जी ठीक है तो लोधी साहब यहां से टिकट तो मिल गया है, अब आप ये बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, आप प्रदेश मुझको बड़ा मैं जानना चाहता हूं उस चीज को, मैं प्रदेश सरकार से तो बहुत खुश हूं, मैं योगी जी से बहुत खुश हूं, मैं सुबह उठता हूं तो योगी जी करता हूं, शाम को जब सोता हूं तो भी योगी जी करता हूं। ठीक है अब मुझे ये बताइए कि अगर योगी जी किसी भी पैराशूट वाला व्यक्ति जो आपने कहा हेलीकॉप्टर से उतारे गए थे, अगर पैराशूट वाला व्यक्ति यहां भी उतार दे और कहें कि चलो चचा भतीजे सब वोट दो, तो फिर क्या करे भाई? इस समय देखिए सर, इसीलिए यहां से विधानसभा से केवल लोकल प्रत्याशी को इसीलिए बीजेपी ने उतारा क्योंकि जो पिछले प्रत्याशी आए तो उन्होंने यहां तो ना तो कोई विकास किया ना लोगों की जनसमस्याएं सुनी। ठीक है और हरी साकी जी जो है वो एक जमीन से जुड़े हुए नेता है। अरे बहुत पिछले अच्छा ठीक है, ये हरी साकी साहब जो है इससे पहले विधायक थे, कभी पूर्व जिलाध्यक्ष थे? नहीं विधायक नहीं, पूर्व जिलाध्यक्ष। अब मैं एक बात बताता हूँ लोधी साहब आपको, हम जनता कैसे यकीन करें ये बताइए। मैंने कई ऐसे जमीन से जुड़े नेता देखे हैं जो आजकल हवाई जहाज में ही रहते हैं, जमीन पर दोबारा उतरे ही नहीं, जमीन से इतना ज्यादा जुड़े थे कि जमीन से जुड़ते जुड़ते अब हवाई जहाज पे ही पाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर पे ही उनके दर्शन होते हैं, नीचे नहीं मिलते। और कई ऐसे नेता देखे जो आप लोकल शब्द का जिक्र कर रहे हैं, कई ऐसे लोकल नेता देखे जो थे तो लोकल और जनता ने उन्हें जब वोट दे दिया तब उनका स्थायी पता हो गया, एक लखनऊ में कहे दो कोठी है, दो कोठी दिल्ली में है और दो कोठी कहे कि सिंगापुर में भी एक कोठी है, तो लोकल नेता भी काफी हमने देखे हैं जो इंटरनेशनल हो गए, तो जनता कैसे विश्वास करे, नियत कैसे समझे, आप नियत को कैसे समझते हैं कि इस नेता की नियत साफ?
वो तो ये तो देखो साहब सोच, ये तो अब पता चलेगा क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे प्रत्याशी सब फ्रेशर है, न्यू सब, क्योंकि अब ना अब देखिए ये जो कार्यक्रम है इसमें दरअसल देखिए राजनीतिक जो आंकड़े हैं ये सब है, ये तो हमारे अभी विजय जी के मैं बोल दूंगा तो चार मिनट के अंदर खोल के रख देंगे सब कुछ, एक 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 आंकड़ा, ठीक है? तो आंकड़ा नहीं, दरअसल हम चर्चा ये करते हैं ताकि जनता जो देख रही है वो भी समझे इस बात को कि अब राजनीतिक जो घटा है, जो राजनीतिक जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। आपने क्योंकि वो तार छेड़ दिया तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपने वो वाला तार छेड़ दिया कि पैराशूट से उतारे गए थे प्रत्याशी, फिर आपने कहा कि नहीं ये तो लोकल है, फिर मैंने आपको बताया कि लोकल कब इंटरनेशनल हो जाए कुछ पता नहीं चलता। एक और चीज है आज की दृष्टि में, क्योंकि आप मुझसे काफी बड़े हैं, आप इस चीज को बेहतर समझते होंगे कि, और विजय जी ने भी इस चीज को काफी देखा होगा कि आज जो राजनीतिक तस्वीर है वो काफी बदल चुकी है। अगर आज आप लोधी साहब, आप अभी काम करते हैं पतंजलि का डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप जनता के सेवा का कितना भी भावना रख लीजिए, जनता की आप सेवा करना चाहते हैं कितना भी सोच लीजिए, आपके पास परम ज्ञान हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं देगी आप, इसलिए टिकट नहीं देगी क्योंकि आज की हम देख रहे हैं तस्वीरें, 20-20 साल तक कार्यकर्ता लगा रहता है और 21वें साल पता लगता है कि फलाने जो गुप्ता जी हैं बंबई वाले उनको टिकट मिल गया। तो आजकल जब सूटकेस का जमाना चल रहा है तब ये फटे कुर्ते वाले अगर घूमेंगे और सोचेंगे विधायक बन जाए तो नहीं बनते, ये तस्वीर बदल गई है राजनीति की। और जो व्यक्ति लोधी साहब, जो व्यक्ति 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो वो तो आजकल तो इन्वेस्टमेंट है ना, वो लोधी साहब अब वो पहले 1.5 करोड़ रुपए अपने निकालेगा या पहले सोचेगा कि लोधी साहब की दुकान कैसे चकाचक कर दे, बताओ लोधी साहब, दिल पर हाथ रखकर बताओ। नहीं, ये तो कहना आपका सत्य है, लेकिन जो यहाँ की सिचुएशन है उस सिचुएशन के आधार पर जो है, और जो जातीय समीकरण है प्लस उनका जो यहाँ पे लोगों के साथ झुकाव रहा है, विधायक ना होने पर भी जो समय उन्होंने अपना कार्यकाल पिछले 5 वर्षों में बीजेपी के बतौर जिलाध्यक्ष के रूप में दिया, उसके आधार पर जनता के साथ उनका बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है, तो इसलिए उम्मीद यह है कि उनकी टिकट इस बार उनको जो है विधायक बन ही जाएंगे। ये देखिए आपके ऊपर टॉर्च कौन मार रहा है, बसपा वाला तो नहीं कोई टॉर्च मार रहा है। चलिए विजय जी के पास आएंगे, विजय जी आपके आसपास काफी लोग खड़े हैं, सबसे पहले तो ये जो पीछे जो अरविंद केजरीवाल जी वाला मफलर बांधे हुए इनसे बात कर रहे हैं और इनसे पूछें कि किस पार्टी को जो है ये पसंद कर रहे हैं आजकल। यहाँ पे अगर क्या क्या काम सही हुए हैं योगी जी के? हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है, जैसे काम यहाँ पे, यहाँ पे बोरिंग भी बनती का सही आदमी आधी रात में दिक्कत नहीं, प्रकार की आदमी के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, रात में जब बात कोई दिक्कत नहीं है हमारे सर जिंदा यहाँ पे। कावेंद्र जी हमारे साथ यही थी, कई लोग हैं और मैं उससे बारी बारी से जानना चाहूंगा कि जो लहर है बिलसी विधानसभा, ठीक है ठीक है, ओवर टू यू साहब। सर अभी तो यहाँ पर जो माहौल है बीजेपी का ही है विधानसभा पे, क्या लगता है आप वोट के ऐसा क्या है युवाओं के साथ कोई भी बेरोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है सर, मुझे नहीं करना है काम, जिसको करना है चाहे वो अपना प्राइवेट जॉब के चक्कर में गवर्नमेंट जॉब बेचारों से मिलती है, अगर जिसको करना है उसको करना है, उसके मन में नहीं है समय नहीं है। चलिए यहाँ सब यहाँ अच्छा एक चीज है दिलचस्प, आज विजय जी एक दिलचस्प चीज आज देखने को मिल रही है कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं सब बीजेपी बीजेपी वाले हैं, आप कहीं पार्टी रैली के आसपास तो नहीं घूम रहे हैं? नहीं,
देखिए ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, आवाज की थोड़ी सी समस्या है विजय जी, आवाज थोड़ा आपकी नहीं आ पा रही है, आपका आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आप हमारे साथ रहे। और लोधी साहब हमारे साथ हैं, चले गए। तो लोधी साहब जो थे उनसे मैं इतना ही कहना चाहता था कि आजकल जब हम चुनाव के बीच हैं, एक चीज बड़ा परेशान कर रही है, मुझको भी कर रही है, आपको भी करनी चाहिए, बाकी लोगों को भी होनी चाहिए इस चीज से परेशानी, कि अब चुनावों में जो वक्तव्य है वो बदल गया है और जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, ये ज्यादा बड़ा संकट है। मतलब हम जब सुबह कहीं से आते हैं, दफ्तर आते हैं, तो देखते हैं और पाते हैं कि जितनी गाड़ियां चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, प्रचार वाहन कभी दिख जाए तो, एक गाना बड़ा मशहूर चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब बताइए ये कितनी अजीब सी बात है और कितना अजीब सा ये गाना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब राम को कौन ला सकता है? राम तो हम सबको लाए हैं, लेकिन राजनीति ने आज इस तरीके से पलटी मारी है कि राजनीति में आज इस तरीके की चीजें भी सुनने को मिल रही हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए, और राजनीति जो है उसके लिए ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कार्यकर्ता सड़क पर लड़ रहे हैं, सपा वाला लाल डंडा लेकर उसके ऊपर टूट पड़ रहा है, तो इधर जो बीजेपी वाला है वो भी डंडा लेकर उसके ऊपर टूटा पड़ा है और लड़ रहे हैं। तो लड़ने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं इस वजह से, और ज्यादा इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ अपना स्थानीय नेता देखिए, जिस सरकार के साथ आपकी विचारधारा मेल खा रही हो उसको वोट दीजिए, बस इससे अलग कुछ नहीं। सब अपनी जगह पर सही है, सब अपनी जगह पर सही है, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, सब अपनी जगह सही है। एक जो पेड़ होता है गुलाब के फूल का, गुलाब के फूल का जो, उसमें आपको कांटा भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, डंडी भी मिलेगी, सब मिलेगा, तो हर तरह का है, सब कुछ है। तो इस चीज को समझिए कि ज्यादा भावनाओं में मत बहिए, क्योंकि जिस जैन चौधरी को आज बस में चढ़ाकर अखिलेश यादव घुमवा रहे हैं, उन्हीं के पिताजी, जैन चौधरी के पिताजी स्वर्गीय अजीत चौधरी साहब कहते थे कि समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी का जिस गाड़ी में लगा हुआ झंडा समझो उसी के अंदर बैठा है गुंडा। और आज बताइए समाजवादी के पूरे रथ पर उनका खुद का बेटा बैठ गया जाके। तो राजनीति जो है इन्हीं चीजों का खेल है, और राजनीति को अगर बहुत गहराई से समझेंगे तो सिर्फ व्यंग मिलेगा, व्यंग। और अगर व्यंग लिखना सबसे आसान है किसी चीज पर तो वो राजनीति पर है, और जितने व्यंग चाहें उतने व्यंग मिल जाएंगे और लिख दिए जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर एक नई विधानसभा के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपको बतलाऊंगा कि वो विधानसभा क्या कहती है। शुक्रिया।